सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आपको कल अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब ऐसे वाले दो क्वेश्चन दिए थे, इन दोनों के रूट्स आपके आ गए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना लिया कि मैं एक्सप्लेन करूं। कई बच्चों ने डाला था, दो तीन बच्चों ने, और कई का तो सॉल्यूशन सबमिट ही नहीं हुआ। तो आई सपोज कि आपको डाउट होगा उसमें, तो इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। प्रणव आ गए तुम्हारे दोनों? बोलो रवि कुमार भट्ट, सर एक बार कर दो ना। सर कौन सा वाला? बार एक्सप्लेन कर दो ना। कौन सा वाला रवि, कौन सा दूसरा वाला? दूसरा। ओके, और फर्स्ट में कोई डाउट किसी को? प्रज्वल हो गए तुम्हारे दोनों? प्रज्वल कुठे के लिए हो हाँ सर यही भी गए? तुम्हारे दोनों हो गए, एक भाई सर आई भी सर भी नहीं आया? गया तो चलो ठीक है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं और दोनों का सॉल्यूशन आप देख लें, उसका शॉर्टकट से सॉल्यूशन आप देख लें। फिर ओवरऑल हमने जो 2 दिनों में क्वेश्चन किए उसका अपन एक चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ओवरऑल एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, ताकि इस टाइप के सम्स आप आगे और बना पाए। ठीक है, सो हियर वी डिस्कस लास्ट 2 सम्स जो कल आपको होमवर्क में दिए थे, एक बार आप उनका सोल्यूशन देख लीजिए, और फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन ये था कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है? तो दिस इज अवर सम जो आपको होमवर्क में दिया था। अब आप देख लें इसका सोल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू इनिशिएट दिस क्वेश्चन, सर होमवर्क कैसे में आपने मतलब दिया था अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। नहीं, अल्फा स्क्वायर वाला और बीटा स्क्वायर वाला भी नहीं आया, तो वो बता दे रहा हूँ, उसके बाद अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब वाला भी करेंगे अपन। ठीक है, ओके ओके। सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सर, ये आपने कल ही बताए थे ना। पूरा शॉर्टकट के साथ हो गया ये? यस सर। चलो ठीक है, तो अपन क्यूब वाला ले लेते हैं अभी, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो जब भी आपको रूट अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दिए हैं, तो हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहली बात तो जो एक्चुअल मेथड है सॉल्यूशन की वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बताया है कि फर्स्ट इक्वेशन में जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो सबसे पहले आप ये दो बातें लिख लें कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो वैल्यू है ये सी अपॉन ए होता है। नाउ जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब से आपने फॉर्म करनी है, तो अपन अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का सबसे पहले यहां पर सम फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स और बाय द आइडेंटिटी इसका तो अपन ने वैल्यू निकाला हुआ है, ठीक है, और एक बार और अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो आप डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट किए हुए इसका, और अल्फा क्यूब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का क्यूब करेंगे तो ये माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब आता है, और ये 3 BC अपॉन ए स्क्वायर आता है। और जब आप फाइनली एलसीएम ले लेंगे तो
तो ये माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब, दिस इज अवर सम ऑफ रूट्स एंड नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप फाइंड करेंगे तो ये बड़ा इजीली आ जाता है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का प्रोडक्ट अल्फा बीटा होल क्यूब होगा और अल्फा बीटा सी बाई ए है, इट इज सी क्यूब बाई ए क्यूब. सो नाउ वी गेट सम एंड प्रोडक्ट बोथ and once we get sum and product of the roots, so required quadratic equation is formula hai x square minus sum of roots which can be written minus b cube 3abc upon a cube x plus product of roots is c cube upon a cube is equals to 0. और final answer, पूरी equation को a cube से multiply कर दीजिए, so this is a cube x square minus b cube plus 3abc x plus c cube equals to 0. This is the final answer. आप match कर लें और कहीं कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ ले. हमेशा हर बार अपने ये एक स्क्वायर आना चाहिए ना. नहीं नहीं, ए क्यूब से मल्टीप्लाई किया ना सर. मैं बोल रहा हूँ रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बाद में. नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूले का जो फॉर्मूला है अपना फॉर्मेशन का, वो फॉर्मेशन का फॉर्मूला देखो. फॉर्मेशन का फॉर्मूला अपना एक्स स्क्वायर, ये है फॉर्मेशन का फॉर्मूला. ax नहीं होता, x square minus sx plus p होता है, ठीक है, ये नहीं होता उसमें. नोट करिए, अभी कोई डाउट है तो पूछिए. तो इसका स्क्रीनशॉट लें और हियर वी डिस्कस इट्स अ शॉर्टकट, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय शॉर्टकट, जो कि आई होप आप में से किसी का भी नहीं आया. और ये लगभग शायद 8 क्वेश्चन है जो अपन इस टाइप के पैटर्न पे सॉल्व कर रहे हैं. तो ओवरऑल फाइनल एक कंक्लूजन अपन बनाएंगे, एक टेबल यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे आपको वो रिजल्ट ऑब्जर्वेशन करने में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम वहां पर, किस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन हमने डाले. सो हियर वी डिस्कस इट्स सेकेंड सोल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन. अब आप देखें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो कई बच्चों ने सब्स्टिट्यूशन तो सही लिखा था लेकिन उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. सब्स्टिट्यूशन सही पहचान लिया था उन्होंने कि जो सेकंड मेथड है सॉल्यूशन की वो ये है कि आप यहाँ पर x को क्यूब रूट ऑफ x से रिप्लेस करेंगे, मतलब x पावर 1/3 से. ये सब्स्टिट्यूशन होता है. जैसे स्क्वायर आपको दिया था तो स्क्वायर रूट से रिप्लेस किया, यदि क्यूब दिया है तो क्यूब रूट से रिप्लेस करेंगे, यदि पावर 4 दिया तो फोर्थ रूट से, एंड सो ऑन. इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन आएंगे. तो अपन ये जो फाइनल आंसर अपन ने अभी बनाया है ये, इसको अपन इस सब्स्टिट्यूशन से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाय दिस सब्स्टिट्यूशन हाउ वी गेट अवर आंसर. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने डालना है ये अपने क्वाड्रेटिक में डालना है. तो वी पुट दिस इन क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसमें पुटअप करेंगे. एंड देयरफॉर देखिए क्या होता है अब आपका. सो व्हेन वी पुट दिस, एक्स की जगह पर एक्स पावर 1/3 लिखिए बस, और कहीं कुछ नहीं लिखना. एक्स जहां पर है वहां पे 1/3 लिख दो. स्क्वायर अपनी सच है अपनी जगह पर, यहां भी एक्स की जगह पर 1/3 लिख दिया, प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. और उसके बाद ये बन जाएगा ए एक्स पावर 2/3 प्लस बी एक्स पावर 1/3 प्लस सी इक्वल्स टू जी.
क्योंकि आपने पढ़ा है पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1/3 टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनाएगा 2/3। तो यहां तक आपने अप्रोच किया x की जगह, बस हमने अभी तक केवल x पावर 1/3 लिखा है। और अब जैसे आपने स्क्वायर में स्क्वायर रूट लिखा था और फिर आपको बोला था कि यदि आप स्क्वायर रूट लिख दोगे तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं बचता, वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाता है। तो इसलिए अपन ने वहां पे मिडिल टर्म ट्रांसफर करके स्क्वायरिंग किया था बोथ साइड। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में अब मैंने ये जो सी है ये सी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया, जब आप सी को शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा सी, मतलब ये इक्वल्स टू माइनस सी आ जाएगा। इस इक्वेशन को हमने ऐसा लिख लिया, एक टर्म वहां पे ट्रांसफर करना है क्योंकि जब आप बोथ साइड क्यूब करोगे तो a प्लस बी का क्यूब हम लगाएं, अदरवाइज आपको फिर a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब चाहिए होगा जो कि बहुत लेंदी फॉर्मूला है। लेकिन आप a प्लस बी होल क्यूब बड़ा इजीली जानते हैं तो इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, एक टर्म ट्रांसफर कर दी वहां पर। एंड नाउ हियर वी क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों तरफ अपन पावर थ्री ले लेते हैं, बोथ साइड क्यूब कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब और ये राइट हैंड साइड का क्यूब। नाउ फर्दर आप देखें तो हियर वी यूज द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी आपका हो जाएगा ए क्यूब, मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब, जब आप फर्स्ट टर्म का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, ये देखिए पहला टर्म मिल गया आपको ए क्यूब। फिर होता है बी क्यूब, बी का क्यूब करेंगे तो ये बी क्यूब एक्स आएगा। फिर होता है थ्री ए बी, तो ये आएगा थ्री ए बी, और x पावर 2/3 और x पावर 1/3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे तो x आएगा। ये हो गया 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये पूरा फॉर्मूला लगाया है अपने यहां पर, ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा और राइट हैंड साइड में माइनस सी क्यूब। और अब फाइनल स्टेप, ये आंसर आप याद रखिएगा ठीक है। अब अपना ये आंसर दे दिया इसने, क्या करेंगे ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू माइनस सी लिख देंगे, मतलब इसकी जगह पर आप माइनस सी लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया आपका ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स प्लस 3abx, इसकी जगह पर हमने लिखा माइनस सी और ये वाला c हमने कर लिया ट्रांसफर, सो वी गेट दिस। अब ये जो दो टर्म आपको दिख रहे हैं ये दो टर्म में x कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली वी गेट अवर आंसर। जब आप x कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा b क्यूब माइनस 3abcx प्लस c क्यूब बराबर 0, मैच कर लीजिए, पिछला आंसर भी यही था। दिस इज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बनता है इसका शॉर्टकट से आंसर, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कैलकुलेशन। तो इस तरीके से पैटर्न को आप ध्यान में रखें और ओवरऑल जो अभी हमने स्टार्ट कर दो ना, कौन सा वाला सर, वो ब्रैकेट के नीचे वाला, स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे वाला टर्म कैसा आया? ये इसमें अपन ने फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी होल क्यूब, मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ तो आपको आप ध्यान में आ जाएगा। ये जो लिखा है अपन ने, इधर अपन ने अप्लाई किया है ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब कितना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला अपन ने यूज किया यहाँ पे, ये फॉर्मूला है। तो देखिए ए की जगह पर अपना ये पूरा है, ये पूरे को ए मानना, ये है ए
और ये पूरा b है ना, a प्लस बी होल क्यूब। तो क्या हुआ, पहला टर्म क्या है, ए क्यूब, मतलब इसका क्यूब करना है, इस पे पावर तीन लेना है, इस पे होल पावर तीन लोगे तो यहाँ पे तीन आ जाएगा पावर, और यहाँ पर पावर दो बचेगा। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म का क्यूब। सेकंड का क्यूब करेंगे तो बी क्यूब एक्स आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, थ्री ए बी, मतलब थ्री फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, थ्री ए बी जब आप करोगे तो देखो मैं पूरा लिख के बताता हूँ आपको। थ्री फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है ए एक्स पावर टू बाई थ्री, और सेकेंड टर्म कितना है बी एक्स पावर वन बाई थ्री। तो ये मैंने लिख लिया थ्री ए बी, अब आया एक्स पावर टू बाई थ्री और एक्स पावर वन बाई थ्री। बेस सेम है तो पावर एड होते हैं, ये आपने पढ़ा था। तो ये एक्स पावर थ्री बाई थ्री बनेगा, मतलब इसको अपन कितना लिख सकते हैं एक्स, ये आ गया एक्स। ठीक है, तो जब आप थ्री ए बी करोगे तो ये आएगा थ्री ए बी एक्स, कैसे आएगा ये मैंने एक्सप्लेन किया। और इन ब्रैकेट क्या होता है, ए प्लस बी मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और माइनस सी क्यूब तो एस सच है। समझ गया रोशन अभी? यस सर। ओके, कोई डाउट है अभी भी किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। टेक इट स्क्रीन शॉट, और इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो आप पूछ लें। देखिए ऐसा करोगे तो आपका कैलकुलेशन इसमें इम्प्रूव होता है, क्योंकि जनरली मिस्टेक्स यही होती हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं, नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब अपन ने दो दिनों में जो भी ओवरऑल पढ़ा उसका एक फाइनल कंक्लूजन अपन बना रहे हैं। मोनेश गिरी, समझ गया तुमको? यस सर। ओके, आज तो नहीं सोए थे तुम, नींद तो नहीं लगा आज तुम्हारा? मोनेश नहीं सर, दौड़ने गया था, दौड़ने आज, रनिंग करने। हाँ चलो ठीक, आज नहीं गया। अच्छा आज नहीं गया, अच्छा इसलिए आज नींद नहीं लगी। ओके, सो नाउ हियर वी डिस्कस, सारा जो दो दिन में अपन ने प्रीवियसली डिस्कस किया है उसको अपन एक फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, तो हर बार हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में अपन ने ये हेडिंग पढ़ा था। तो सारे जो सात आठ क्वेश्चन अपन ने अभी किए सब में आपको क्या दिया था कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देन टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अब आपने देखिए यदि स्टार्टिंग डे से अपन देखें तो सबसे पहला सम इसमें आपने किया था, यहां पर मैं सीरियल नंबर ले रहा हूं, यहां पर अपन रूट्स लिखेंगे और उन रूट के करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन आपने क्या किए थे वो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन
तो जब आपको रूट्स बोला था कि माइनस अल्फा और माइनस बीटा लीजिए नेगेटिव ऑफ गिवन रूट, तो आपने सब्स्टिट्यूशन किया था, एक्स को सीधा उठा के माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया था एंड वी गेट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया था एंड सेकेंड रिजल्ट में जब रूट्स आपको रेसिप्रोकल दिए थे वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा, तो फिर आपको मैंने यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूशन बताया। एक तो आपको बताया कि आप x की जगह पर 1 अपॉन x लिख दो, या फिर इसको डायरेक्टली अपन याद रख सकते हैं कि a और c सीधा उठा के इंटरचेंज कर दी, a की जगह c और c की जगह a लिख दो। ये पूरा रिवीजन है आपका जो पिछले दो दिनों में आपने पढ़ा, a और c इंटरचेंज कर दें, सो देन वी ऑल्सो गेट दी अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दो क्वेश्चन में आप देख रहे हो जो सब्स्टिट्यूशन हमको दिए हमने करे, यदि नेगेटिव ऑफ रूट्स बोला था तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स बोला था तो एक्स को वन अपॉन एक्स से रिप्लेस किया। नाउ थर्ड थिंग, इसमें जो तीसरा सम आपने बनाया कि जब रूट्स ट्वाइस करके दिए हैं टू अल्फा और टू बीटा, तो आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था एक्स को एक्स बाई टू से रिप्लेस किया था। फोर्थ केस, जब रूट्स आपको अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू देंगे तो आपने फिर एक्स को टू एक्स से रिप्लेस किया। फिफ्थ केस, जब आपको अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू गिवेन था तो हियर वी रिप्लेस एक्स विथ एक्स माइनस टू। केस नंबर छह, जब आपको ये सारे क्वेश्चन आपने किए उनको एक साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हर टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या सब्स्टिट्यूशंस किया है, और अब आप इनको देख के बड़ा इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये अपना सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रूट एक्स था, और लास्ट क्वेश्चन लेटेस्ट जो अभी अपन ने किया कि जब रूट्स आपके अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे तो एक्स इज रिप्लेस विथ क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो एक्स को क्यूब रूट ऑफ एक्स से हमने रिप्लेस। तो अब आप देख रहे हैं कि यदि मैं केवल पहली दो सिचुएशंस छोड़ दूं, ये दो सिचुएशंस, फर्स्ट दो सिचुएशन आप अलग कर लें, तो बाकी जो तीन चार पांच छह सात आठ है, तीन से लेके आठ तक, यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन किया गया है वो गिवन रूट का उल्टा है, जैसा दिया है उसका अपोजिट आपने लेना है। यदि ट्वाइस करके दिए हैं रूट, डबल करके दिए हैं, तो अपन ने एक्स को एक्स बाई टू से रिप्लेस किया, हाफ कर दिया। इसी की जगह पर यदि थ्री अल्फा थ्री बीटा होता तो एक्स बाई थ्री कर देते, टेन अल्फा टेन बीटा होता तो एक्स बाई टेन कर देते, जस्ट उल्टा लेना है। यदि आधा करके दिया है तो अपन ने डबल कर लिया था, यदि टू ऐड करके दिया तो अपन ने टू सब्ट्रैक्ट कर दिया, यदि टू सब्ट्रैक्ट करा है रूट में तो हमने सब्स्टिट्यूशन में टू ऐड कर लिया है, यदि रूट का स्क्वायर करके दिया है तो हमने सब्स्टिट्यूशन में स्क्वायर रूट ले लिया, यदि क्यूब करके दिया है तो हमने सब्स्टिट्यूशन में क्यूब रूट ऑफ एक्स ले लिया। मतलब फर्स्ट दो केस के अलावा बाकी सारी सिचुएशंस में जो भी आपको रूट दिए होंगे उनका जस्ट अपोजिट आपने करना है, जैसा दिया गया है उससे उल्टा लेना है। केवल दो सिचुएशन अलग से आप याद रखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना है, और यदि रेसिप्रोकल किया तो फिर आपने रेसिप्रोकल करके डाल देना। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, कोई आपको इसमें डाउट है तो पूछ लें। ये पिछले आठ क्वेश्चन का समरी है जो हमने किए, ओवरऑल अब आपको ये फाइनल कंक्लूजन है, और इसमें अभी कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो पूछ लें उसको। ठीक है मंथन, समझ गया? कोई डाउट तो नहीं मंथन? नहीं सर, समझ गया। ओके तेजस। यस सर। कोई डाउट? डाउट तो नहीं कोई? ओके चलो।
ओके अब इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं अब इस ओवरऑल इस पर कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, देखें आप किस हद तक समझे हैं, आप उन ट्राई करिए क्वेश्चंस को। सर हाँ बोलो। सर अगर रूट प्लस माइनस रहे तो उस वक्त भी ये यूज करेंगे कि अपन चेंज करेंगे कुछ? प्लस माइनस का मतलब एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव में जब? नहीं नहीं, जब सेम होगा तभी आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आपको यूजुअल मेथड से जाना पड़ेगा। पहले सम निकालो, फिर प्रोडक्ट निकालो, फिर फॉर्मेशन के फॉर्मूला में डालो। ये केवल इतनी पॉसिबिलिटी इसके लिए है जब आपको बिल्कुल सेम दे रखा हो, दोनों रूट्स में बिल्कुल सेम चेंजेस किए गए हैं। मतलब जैसे मैं यहाँ पर अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस थ्री दूंगा, यदि डिफरेंट चेंज किया है आपने तो फिर कोई सब्स्टिट्यूशन वहां पर नहीं है, तब आपने उसको बाई यूजुअल मेथड जाना पड़ेगा। ठीक है, जब व्हेन दी चेंजेस आर सेम देन वी यूज दी सब्स्टिट्यूशन, दोनों रूट में सेम सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके और कोई डाउट क्वेरी? चलिए आप कितना समझे इन चीजों को, एक दो क्वेश्चन के माध्यम से अपन जो है उसका जजमेंट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एंड मूविंग ऑन टू द फर्स्ट सम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर ट्वाइस the roots of quadratic equation 2x square minus 5x plus 2 equals to 0 is, पहला ऑप्शन है आपका, क्या ये 8x square माइनस टेन एक्स प्लस टू बराबर जीरो आएगा? सेकेंड ऑप्शन, ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर आएगा? थर्ड ऑप्शन, ये टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू आएगा? एंड दी लास्ट ऑप्शन, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स आएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, ट्राई करिए, आंसर करिए। चैट बॉक्स में आंसर करना है, प्राइवेटली मैसेज करेंगे। Thank you.
नहीं चेक करो तेजस, फिर से बता दो आपकी आवाज कट रही क्या? हाँ ठीक, नहीं एक बार में एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा मंथन, दो दो एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते। तो तेजस और मंथन बोथ ऑफ यू चेक योर आंसर, कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड कुणाल। प्रणव अपना जो आप आंसर करेंगे वो एवरीवन में नहीं करिए, प्राइवेटली करिए, दो ऑप्शन आते हैं वहां पे, प्राइवेट और एवरीवन। एवरीवन में मत करो, एवरीवन में आंसर आपका सभी को दिखता है। वेरी गुड प्रणव, बट योर आंसर इज रॉन्ग, चेक योर आंसर। आदित्य वाघमारे करेक्ट नहीं है, चेक करिए बेटा। प्रज्वल करेक्ट है, प्रणव करेक्ट। ओके ऑप्शन केवल लिख दें आदित्य, इतना सब लिखने का जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन 1 2 3 4 लिख दें चलेगा, करेक्ट है। लेकिन ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जिनका गलत हो गया है वो देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सभी बना लेंगे, कुछ बच्चों का रॉन्ग हो गया देख लें। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, सही जवाब सेकंड ऑप्शन है। एंड हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, तो आप दोनों तरीके से जा सकते थे सॉल्यूशन में। आपको क्रॉस चेकिंग बताया था कि जब मेरे को रूट्स ट्वाइस करके बोला है तो मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह पर एक्स बाई टू लिख दूंगा, आधा कर दूंगा। मेरे को डबल बोला था, मैं आधा कर देता हूं। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस फाइव एक्स बाई टू प्लस टू बनेगा, तो ये टू टू जा फोर कैंसिल हो जाता है। और अब पूरा इक्वेशन टू से मल्टीप्लाई करिए तो ये वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, दिस इज अवर आंसर। कहीं डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। मैं एक ट्वाइस किया था, बोला था, मैंने आधा करके डाल दिया एंड वी गेट अवर आंसर। देखिए ये आपको बता रहा था मैं क्वेश्चन में, ये जो थ्योरी अपन ने पढ़ा, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस थ्योरी इन दिस क्वेश्चन। कहीं कोई डाउट है किसी को तो अभी भी पूछ लें, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपने सही सही आंसर करने हैं। कहीं आपको प्रॉब्लम जा रहा है कैलकुलेशन में तो पूछ लें, अदरवाइज ऐसे आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आपके गलत होते चले जाएंगे। कोई भी मन में डाउट है कहां पर रॉन्ग हो गया, क्या रीजन रहा, वो आप मैच करिए अपना, और नहीं समझ में आता तो उसको डिस्कस करिए मेरे साथ। चलिए आप नहीं पूछ रहे इसका मतलब आपको समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। हाँ बोलो बेटा। सर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें डालना है या फिर एक्स स्क्वायर वाले में डालना? नहीं नहीं इसमें डालोगे ना,
जब वहां पे क्वेश्चन अपन पढ़ रहे थे तो वहां गिवेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, जब अपन क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहे हैं तो अब अपन को क्वाड्रेटिक ये दिया है, वहां पे डालोगे क्यों? डालना इसमें है क्योंकि जो रूट्स हैं वो इसके डबल है। पहले तक अपन क्या पढ़ रहे थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा बीटा है, तो वो क्वाड्रेटिक क्या होगा जिसके रूट्स टू अल्फा और टू बीटा है। तो फिर अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x की जगह पर x बाई टू डाल रहे थे क्योंकि वहां पर आपको गिवन था अल्फा बीटा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर अपन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं दिया, यहाँ पर अपन को ये क्वाड्रेटिक दिया है, तो ये क्वाड्रेटिक में x की जगह x बाई टू डालोगे, जो गिवन होगा उसमें डालो। क्वेश्चन में जो दिया होगा क्वाड्रेटिक उसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह x बाई टू। समझ गया अभी बेटा? यस सर। ओके चलिए, सो नाउ हियर वी टेक अनदर सम अनदर क्वेश्चन। आप आई होप अब आप वो सॉल्व कर पाए, सभी बच्चे करेक्ट आंसर देंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, सेकेंड क्वेश्चन सभी लोग बच्चे लिखें और पूरी मेहनत से इसको पूरा जोर लगा के ट्राई करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square minus 7x plus 6, 2x square minus 7x plus 6 equals to 0. Then quadratic equation whose roots are alpha square and beta square. Then quadratic equation whose roots are alpha square and beta square is, मतलब given roots का square बोला है यहाँ पर। पहला option है क्या ये 4x square plus 73x plus 36 बराबर 0 आएगा, 4x square plus 25x प्लस 36 इक्वल्स टू 0 होगा। थर्ड ऑप्शन है क्या ये 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 36 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर ये 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 36 होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ट्राई करिए। ओके कुणाल, वेरी गुड कुणाल, करेक्ट है, एकदम सही जवाब। सो ओनली वन आंसर इज करेक्ट अभी तक। प्रणव करेक्ट है, वेरी गुड प्रणव, कुणाल एंड प्रणव बोथ आर करेक्ट।
प्रज्वल और मंथन भी करेक्ट हो गए, चार बच्चे एकदम सही जवाब, वेरी गुड। आदित्य चेक करो बेटा, आदित्य बागमारी करेक्ट। चलिए तो आप देखिए सॉल्यूशन, समय समाप्त हो गया। वैसे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देख के कर सकते थे। ये देखो आप, सब्स्टिट्यूशन में अपन क्या करते हैं, x की जगह पर रूट एक्स डालना है। तो जब आप x की जगह रूट एक्स डालोगे तो साइन जो रहेंगे, साइन तो चेंज होएगा नहीं, पहले टर्म का साइन पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है और तीसरे का पॉजिटिव है। मतलब आपने यदि सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करना, तो एक और तरीका आपको बता रहा हूं, साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता जो कि इसके पॉजिटिव 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 साइन है, पॉजिटिव 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 साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, यही भर करेक्ट है, क्योंकि इसी का साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव उससे मैच कर रहा है, खत्म। मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन भी आपने नहीं करना पड़ा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत तरीके हैं जो ये क्वेश्चन आपके इजी बना देंगे। बाकी जब मैं एक्चुअल सॉल्यूशन की बात करूंगा, तो चूंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिया है, तो अपना आंसर करने का तरीका क्या हो जाएगा, अपन एक्स की जगह पर मतलब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनाने के लिए एक्स की जगह पर रूट एक्स लिखेंगे। और फिर रूट एक्स वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग भी कर दिया, इसको ओपन करेंगे, और इसको ट्रांसफर कर लीजिए, देन यू गेट योर आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, देख लीजिए। ये एक्चुअल तरीका हो गया सब्स्टिट्यूशन डाल के, नोट कर लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर हाँ बोलो बेटा। सर 2x² + 6² = 9x कैसे आया? ये देखो, ये रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, तो यहाँ आएगा 2x + 6, और ये 7 रूट एक्स को ट्रांसफर किया और फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, तो ये स्क्वायरिंग एज सच दिख रहा है आपको, और 7 रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो 49x हो जाएगा। अभी समझा? यस सर। आदित्य ओके। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपना आज का लास्ट सम था, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल, बाय बेटा, बाय सर, बाय बाय एवरीवन।